मेरे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनका कैबिनेट मंत्री के तौर पर दिल्ली में रहा है, केंद्र में रहा है। और ये माना जाता है कि जो पंच प्यारे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हालांकि ये कहने का अधिकार उन्हीं को है लेकिन मैं उसका उल्लंघन कर रहा हूँ, लेकिन ये एक वाइडली एक परसेप्शन है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं वो उन टॉप 5 मिनिस्टर्स में बेहिचक रखे जाते हैं जिन्होंने बहुत ही जटिल विषयों को भी बहुत हल किया है। ख़ासतौर से किसान मूवमेंट की बात करें, बहुत कूल राजनेता हैं वो, बहुत संयमशील, धैर्यशील और बीजेपी में कार्यकर्ता भाव को समझते हुए, उसके मर्म को ध्यान में रखते हुए संगठन के जो महारथी राजनेता हैं उनमें से एक वो हैं, हमारे साथ हैं वो, और इस समय छिंदवाड़ा में उस गढ़ को भेदने के लिए आए हैं जो बीते 4 दशकों से 97 के बाय इलेक्शन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए तिलस्म रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उस तिलस्म को तोड़ने का मंत्र उसे मिल गया है। नरेंद्र जी, पहला सवाल तो बहुत स्वागत के साथ यही है, क्या वो मंत्र मिल गया है और वो जड़ी और मंत्र आप लेकर आए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान और विचार प्रधान राजनीतिक दल है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में कोई भी किसी का गढ़ नहीं होता, हर गढ़ जनता का है और जनता जब आशीर्वाद देती है तो व्यक्ति का नाम उसके साथ जुड़ जाता है। जहाँ तक छिंदवाड़ा का प्रश्न है तो छिंदवाड़ा को आपने किसी नाम से गढ़ के रूप में जोड़ा तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यही कार्यकर्ताओं की टीम बैठी है, इसी कार्यकर्ताओं की टीम ने छिंदवाड़ा में लोकसभा भी जीती है और कमलनाथ जी के रहते हुए 8 विधानसभा पर भी कमल खिलाया है। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं नरेंद्र जी कि गढ़ किसी का नहीं होता लोकतंत्र में, गढ़ सिर्फ है तो गढ़ को बनाती भी जनता है और ध्वस्त करने का काम भी जनता का है, ऐसा उनका अभिप्राय जान पड़ता है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं नरेंद्र जी, तो आपका आना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बहुत उत्साह और उम्मीद से हमेशा भरता है क्योंकि आप एक पितृवत्सल भाव के साथ आते हैं जिसके लिए कुशाभाऊ ठाकरे जी जाने जाते थे। क्या देखते हैं, डबल इंजन का नारा है और इस बार तो मोदी जी, शिवराज जी, नरेंद्र जी, तमाम बड़े जी इस चुनाव में हैं, केंद्र के भी तमाम नेता हैं, तो मध्य प्रदेश में इस बार 5वीं बार फिर बीजेपी सरकार, दावा मजबूत? मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में से हूँ जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की 4 पीढ़ियों का आशीर्वाद और स्नेह मिला है और कुशाबाऊ की छाया में हम लोग राजनीति का काखागा सीखे हैं। उसका मूल मंत्र यही है, अपने बारे में विचार मत करो, देश के बारे में और पार्टी के बारे में विचार करो। और इसलिए जब भी पार्टी कोई जिम्मेवारी देती है तो हमारी कोशिश होती है कि ईमानदारी और शिद्दत के साथ उसको पूरा कर सके और मुझे लगता है कि यही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की दिशा भी होनी चाहिए। जब यह चुनाव विधानसभा का नवंबर 23 में होने जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जोश खरोश से लगे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा उसका एक प्रमाण हम सब लोगों के सामने है और निश्चित रूप से एक कालखंड था जब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी और मध्य प्रदेश में हम लोग हुआ करते थे, लेकिन उस कालखंड में भी 2003 के पुराने दुरावस्था के काल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को निकाला और मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बदली। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आने लगा, मध्य प्रदेश का जीडीपी देश के जीडीपी में योगदान देने लगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी देश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, इंडस्ट्री के लिए सबसे अधिक उपयोगी स्थान मध्य प्रदेश को आज देश भर में माना जाने लगा है और जन कल्याण और विकास की दृष्टि से भी आप देखेंगे
तो हमने बड़ी मात्रा में अधोसंरचना विकसित की है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम बढ़ाए हैं। एक ज़माना था जब मध्य प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज मध्य प्रदेश में 25 मेडिकल कॉलेज हैं। तो जन कल्याण की दृष्टि से भी देखेंगे तो गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आया है। 2003 में जब हम सरकार में आए थे तो मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 11,000 रुपया थी और आज वो बढ़कर 1,40,000 हो गई है। और हमारी कोशिश है कि आने वाले कल में मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने और भारतीय जनता पार्टी को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का यश मिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में अपना योगदान दर्ज करेंगे। एक शब्द इधर प्रचलन में आया, विलय नीति, भारतीय जनता पार्टी की विलय नीति। कांग्रेस से जो भी नेता आए बीजेपी में, कहा गया कि ये विलय नीति चुनौती भी बनती है। कार्यकर्ता का एक स्वाभिमान है, कई जगह ग्वालियर में भी एक मीटिंग में कथित रूप से ऐसी खबरें अंदर से निकलीं कि एक बड़े नेता के समर्थकों और उनके व्यवहार को लेकर काफ़ी शिकायतें रहीं। ग्वालियर चंबल एक बड़ा फोकस वाला एरिया है क्योंकि वहाँ विलय नीति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया। तो आप मानते हैं सब कुछ ठीक है, विलय नीति सब कुछ ठीक से काम कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1951 में जनसंघ के रूप में खड़ी हुई, 80 में भाजपा के स्वरूप में आई। आप सब ने अनुभव किया होगा कि हम हमेशा सर्वस्पर्शी भाजपा और सर्वव्यापी भाजपा, इस कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए हमारी पीढ़ियां लगातार काम करती रहीं। तो स्वाभाविक रूप से नया आदमी भाजपा में आए, ये एक अच्छा संकेत है, भला इसको गलत दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। और छोटे से छोटा व्यक्ति आए, बड़े से बड़ा व्यक्ति आए, तो जब व्यक्ति के साथ एक और व्यक्ति जुड़ता है तो पार्टी की ताकत में इजाफा ही होता है। सामान्य तौर पर जो आप ग्वालियर की बात कर रहे हैं तो ग्वालियर में किसी भी प्रकार का अनरेस्ट नहीं है। कार्य समिति के समय भी अंदर तो कोई खबर नहीं थी, लेकिन बाहर कौन सी खबर चली मुझे मालूम नहीं है। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं, सिंधिया जी उतनी सक्रियता से दिख नहीं रहे हैं जन आशीर्वाद यात्राओं में, पार्टी का ही डिसीजन होगा? नहीं नहीं, मैं समझता हूँ सिंधिया जी पहले दौर में मेरे साथ 2 दिन यात्रा में थे वो जी, लेकिन यात्रा में उन्होंने जो तारीखें दी हैं उसमें चाहे सिंधिया जी हों, कैलाश जी हों, प्रहलाद पटेल जी हों, राकेश सिंह जी हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, सभी लोग जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व हैं वो सबके सब यात्रा में नेतृत्व भी कर रहे हैं, भाग भी ले रहे हैं और हमारे हर स्तर का कार्यकर्ता यात्रा को सफलता के सोपान तक पहुंचाने के लिए प्राणपण से लगा हुआ है। ये संसद का जो विशेष सत्र है, नरेंद्र जी आप भी उसका हिस्सा होंगे ही, व्हिप जारी हो गई है, चुनाव आयुक्त के मसले को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि ये जिस तरह का डिसीजन ये हो रहा है तो ये फिर वही मंशा है कि सारी चीज़ें सरकार केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत अपने हाथ में रखना चाहती है। मैं समझता हूँ विपक्ष को भयग्रस्तता से निकलकर व्यापक मन से सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण है, पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं। हमारे आरंभ से लेकर आज तक के निर्णय आप देखेंगे दल में, तो मैं के बारे में निर्णय कभी प्राथमिकता पर नहीं हुआ, हमेशा देश के लिए जो हितकर है उस निर्णय में भारतीय जनता पार्टी ने कभी संकोच भी नहीं किया। हम अगर प्रतिपक्ष में थे तो जनसंघ के रूप में भी हम भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने, ये प्रस्ताव पास करते रहे और मांग करते रहे। और जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो मत की सरकार होते हुए भी पोखरण में दुनिया के विरोध के बावजूद भी परमाणु परीक्षण करके देश की ताकत को बढ़ाने का काम किया। 2014 के चुनाव में देश में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था,
यूपीए सरकार के समय पॉलिसी पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गई थी और चारों तरफ घोटाले ही घोटाले, अराजकता, निराशा दिखाई देती थी। तदुपरांत जनता ने नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट बहुमत दिया। ये बहुमत 30 साल बाद किसी राजनीतिक दल को या किसी नेतृत्व को मिला। मैं समझता हूँ इतना बड़ा बहुमत अगर भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया तो परंपरागत तरीके से मनमोहन सिंह अपना कार्यकाल गुजारें इसके लिए तो दिया नहीं था। ये बहुमत इसलिए दिया कि देश का चित्र बदलना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी ने इस बहुमत की आत्मा को पहचाना और भ्रष्टाचार पर वार भी किया, प्रहार भी किया, ट्रांसपेरेंसी के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, अपना आत्मबल दिखाया और गांव गरीब किसान की चिंता करते हुए उसका भी विकास करने की पूरी कोशिश की और देश वैश्विक मंच पर भी ठीक से अपनी प्रतिष्ठा कायम कर सके, इस मामले में भी मोदी जी ने सफलता प्राप्त की है। आप सोचो कि मोदी जी ने नई संसद बनाने की बात की, नया संसद भवन बनाना, ये मतलब अपने आप में कल्पना करना, उसको मूर्त रूप देना एक बड़ा काम था। लोग भरोसा नहीं करते थे, बात तो पहले भी चलती थी कि भाई सांसद ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा और कुछ नया सोचना चाहिए, नया सोचना चाहिए, सोचते ही रहे लोग। मोदी जी ने निर्णय किया, मोदी जी के इस निर्णय का विरोध भी हुआ और इतना विरोध नहीं हुआ, प्रतिस्पर्धी लोग कोर्ट में भी गए। मोदी जी ने नया संसद बनाया और सबसे बड़ी बात यह है 22 महीने के भीतर कोई आदमी अपना मकान नहीं बना पाता, लेकिन पूरा संसद भवन जिस एक भवन में जाकर भारत पूरी तरह प्रतिबिंबित हो ऐसा भवन बनाकर आज जनता को सौंप दिया, यह मोदी जी की कार्यकुशलता का परिणाम है। और इसी प्रकार से मोदी जी ने लगभग 1500 कानून जो अप्रासंगिक हो चुके थे, सिर्फ अफसरों के काम आते थे, किसी को फंसाना है तो उस कानून का उपयोग कर लो, आज की समय में उनका उपयोग नहीं बचा था, एक ऑर्डर में उन्होंने लोकसभा में लाके ऐसे कानूनों का निरसन किया। भ्रष्टाचार के विरोध में जितने कानून कड़े बनाए जा सकते थे वो कानून बनाने का प्रयत्न किया, जो नवाचार किया जाना चाहिए वो नवाचार किया। आज आप देखते हैं कि 11 करोड़ किसानों के खाते में 2,61,000 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो जाता है, बीच में कोई दलाल नहीं है, कोई कमीशन एजेंट नहीं है, ये एक तौर से बड़ी उपलब्धि है। और इसी प्रकार से जब मोदी जी किसी और विषय को लाकर बोलते हैं तो मैं समझता हूँ उस पर लोगों का मत विमत हो सकता है। और मोदी जी ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को तो दुनिया जानती थी, लेकिन लोकसभा में हमारा भारत का संविधान 26 नवंबर को आया तो मोदी जी ने 26 नवंबर याद किया, डॉक्टर अंबेडकर को याद किया और आज 26 नवंबर को डिबेट होती है भारत के संविधान पर और अंबेडकर जी का संविधान का गुणगान किया जाता है। इसीलिए पार्लियामेंट का अगर एक सत्र बुलाया गया है तो निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के लोगों को धैर्य रखना चाहिए, इस सत्र का भी परिणाम सिर्फ भारत के हित में होगा, भारत के 140 करोड़ लोगों के हित में होगा। बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की, बस एक दो सवालों के साथ खत्म करूंगा, आपको जाना भी है। नेता पुत्रों को लेकर एक दो तीन बड़े महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आए और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की नीति इस चुनाव में इसको लेकर परिवर्तित हो सकती है जैसी मान्यता है, हालांकि कोई नीति है कि नहीं ये भी एक बड़ा प्रश्न है। सुमित्रा महाजन जी ने पहले बात की कि अगर कार्यकर्ता है, पार्टी और जनता के बीच में जाकर चुना जाता है तो उसमें कोई बंदिश नहीं। वीडी शर्मा जी ने भी, अभी प्रदेश अध्यक्ष आपके, उन्होंने भी कहा कि ये एक अलग मसला है, इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। आप कैसे देखते हैं अगर कोई कार्यकर्ता है मजबूती से है, क्योंकि आपके यहाँ से एक बयान ये भी आया कि हमारे यहाँ कोक से वंशावली आगे नहीं बढ़ती। देखिए दरअसल हर चीज़ को बड़े एस्पेक्ट में सोचना चाहिए। हमारी पार्टी की नीति है परिवारवाद की राजनीति के विरुद्ध और इसमें कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है।
आप पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य को देखो, सपा देखो परिवार के आधार पर, बसपा देखो परिवार के आधार पर, आपका वाईएसआर कांग्रेस देखो परिवार के आधार पर, तृणमूल कांग्रेस देखो परिवार के आधार पर, डीएमके एडीएमके देखो परिवार के आधार पर। जो परिवार आधारित राजनीतिक दल हैं, चाहे वो लालू हों चाहे वो अन्य लोग हों, उन दलों की क्या स्थिति है? उन दल को सरकार बनाने का भी मौका मिला, तो जब सरकार बन जाती है तो पिता मुख्यमंत्री बन जाता है, बेटा गृह मंत्री बन जाता है, पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बेटा राष्ट्रीय महासचिव है, बहू कोषाध्यक्ष है। ये है परिवारवाद। और कांग्रेस को भी अगर आप देखो तो हम लोग इतना नहीं ठोकते तो खड़गे जी अध्यक्ष नहीं बनते, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। अभी इस बार प्रियंका गांधी का नंबर था, लेकिन हम लोगों ने बहुत ठोका तो कांग्रेस को थोड़ी अकल आई तो खड़गे जैसे आदमी को मौका मिल गया। इस परिवारवाद की राजनीति के भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध है, क्योंकि परिवारवाद की मानसिकता जो है ये संकीर्ण मानसिकता है, ये किसी दूसरे कार्यकर्ता को पनपने नहीं देती, दूसरे कार्यकर्ता को आगे बढ़ने नहीं देती। ये संकीर्णता के प्रश्नों को उठाकर जनता को गुमराह करके सिर्फ राज करने का प्रयत्न करती है, और उसका भी परिणाम खराब ही निकलता है। जहाँ तक किसी नेता के पुत्र का सवाल है, तो निश्चित रूप से अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और कार्यकर्ता के रूप में वो पार्टी को स्वीकार्य है, उसकी छवि अच्छी है, और केंद्रीय चुनाव समिति अगर इस निर्णय पर पहुंचती है कि उसे टिकट देना चाहिए, तो ये केंद्रीय चुनाव समिति के अधिकार क्षेत्र की बात है। बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। 11 करोड़ किसानों के खाते में 2,61,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भयग्रस्तता छोड़े विपक्ष, ये उनका इंडिया को मैसेज।